नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गार्डनिंग संसार के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर आप सीखते हैं किचन गार्डनिंग और होम गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स कि गमलों में पौधे को किस तरह से लगाते हैं और अपने छतों पर किस तरह से बागवानी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो केसर बल्ब। ये देखिए, केसर का बल्ब है, इसे उर्दू में ज़ाफ़रान भी कहते हैं। ये कश्मीरी केसर बल्ब है दोस्तों, मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया है। यदि आप भी परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे कि इसके सॉइल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, इसमें आपको चाहिए रेतीली मिट्टी, क्योंकि ये दोस्तों ये बल्ब है, बल्ब को ज़्यादा चिकनी मिट्टी पसंद नहीं है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल रह जाते हैं, पानी रह जाते हैं, जिसके कारण से बल्ब सड़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग यूज करेंगे डोमट मिट्टी जिसमें बालू मिला हो। यदि आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें रेत मिलाकर उसे रेतीला मिट्टी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है कॉडंक, यानी कि गाय का गोबर सड़ा हुआ। तो इसको हम लोग 50-50 अनुपात में लेंगे। जितना आप इसका मिट्टी लेंगे, ये सॉइल लेंगे, उतना ही दोस्तों हम लोग को ये कॉडंक चाहिए, यानी कि गोबर का खाद चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है, जो जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिट्टी मिल जाने के बाद, ये देखिए, ये है बोन मील। बोन मील एक मुट्ठी इसमें हम लोग फेंटेंगे। फेंट कर फिर अच्छे से इसे मिलाएंगे। तभी मैं मिलाता हूँ। फ्रेंड्स, बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं, जो बल्ब के फूलों के लिए, बल्ब वाले जो जितने भी प्रजाति के फूल होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये इसमें फास्फोरस होते हैं और कैल्शियम होते हैं। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और कैल्शियम से फूल पनपेंगे, यानी कि फूल आएंगे प्लांट से। तो इसे अच्छी तरह से मिलाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरा सॉइल मिक्स कम्प्लीट हो गया, सॉइल मेरा बन गया। तो इसके बन जाने के बाद देखिए, ऐसा एक कंटेनर लेंगे, या आप गमला का भी चूज कर सकते हैं, लेकिन गमला आप 10 इंचिस का ही लें, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो ज़्यादा डीपली नहीं जाती है, 4 इंची में ही इसका जड़ फैलता है। तो ज़्यादा ऊंचाई वाले ना लें, कम ऊंचाई वाले लें, लेकिन मिट्टी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि गमला का जो ऊपर का मुँह होता है, चौड़ाई होता है, वो ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 इंची होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया है और इसमें मैंने होल किया हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें मैंने होल किए हुए हैं, ये देखिए, और इधर भी है। तो फ्रेंड्स, इस होल को हम लोग कोको बीट से ढक देंगे, ताकि एक्स्ट्रा जल जो है वो अच्छे से ड्रेन हो पाए। तो इसको हम लोग कोको बीट से इस होल को ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कोको बीट है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने कोको बीट का एक लेयर बना दिया हूँ, ये देखिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों इसमें मिट्टी को डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी को भर दिया इस कंटेनर में। अब बल्ब को लेंगे, तो ये रहा बल्ब, और इसे, ये देख रहे हैं, इसे ऊपर रखना है, ये मोछ वाले पॉइंट को इसे ऊपर रखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे रख देंगे, बल्ब को मिट्टी में इतना जाना चाहिए कि सिर्फ ये मोछ ही ऊपर दिखाई दे, जो इसका, यहीं से इसका सूट निकलेगा, प्याज की तरह होता है,
वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा कैसा होता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो का रिजल्ट भी मैं दिखलाता हूँ, उसी वीडियो में आपको अलग से दिखना नहीं पड़ता है, उसी में मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। तो इसे मैं ग्रो जब होगा तो इसी वीडियो में आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि कैसा होता है। तो अभी हम लोग बल्ब को रखते हैं। इसके बाद इसे ढक दें। फ्रेंड्स, मिट्टी का आप पीएच लेवल भी चेक कर सकते हैं। इसका पीएच लेवल होना चाहिए 6 से 8। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखलाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे 1 महीने हो गए हैं, पूरे 30 दिन हो गए हैं। 30 दिनों के बाद देखिए इसमें ये स्पॉट्स आए हैं और इन्हीं में से ये लीफ बाहर आएगी। ये देखिए, पूरे 1 महीने के बाद इसमें कुछ देखने को मिला है फ्रेंड्स। और मैं आपको दिखलाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इनमें से तो लीफ बाहर आने लगी है। और अभी भी देखिए, इसमें मैंने 6 लगाए हैं। ये देखिए, अभी यहाँ से भी नहीं निकला है। और मैं दिखलाता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ से भी ये इनकी लीफ बाहर की तरफ आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि केसर के बल्ब को लगा देने के बाद कितने दिनों के बाद इसमें लीफ आती है। तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें, इसमें ज़रूर स्पॉट्स आते हैं और लीफ बाहर आते हैं। तो आगे मैं और आपको दिखलाता हूँ, बने रहें इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज 40 दिन हो गए हैं। 40 दिन में आप देख सकते हैं इन मेरे केसर के प्लांट को, ये देखिए, ये सभी में से इनके पत्ते बाहर आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सभी में से ये पत्ते बाहर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज 40वां दिन है इसका। ये देखिए, अभी इनमें से नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही इनमें से भी आ जाएंगे। और भी मैं आपको दिखलाता हूँ, ये देखिए, इनमें से भी आ गए हैं, किसी में से 2, किसी में 3। ये देखिए, 1 है। दोस्तों, मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि इसके बल्ब को देखरेख किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, इसमें आप पानी उतना नहीं डालें जितना कि आप सभी प्लांटों में डालते हैं। पानी तभी डालें जब ये ऊपर का सरफेस जब आपको सूखा दिखे। क्या होगा, ज़्यादा पानी डाल देने से, ये देखिए, मैं आपको दिखलाता हूँ, ये देखिए, ये केसर का बल्ब है जो गल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गल गए हैं। तो मेरे साथ सिर्फ एक ही में हुआ, क्योंकि इसका जो ड्रेन सिस्टम था वो ठीक नहीं था, पानी इसमें जमा रह गया, जिसके कारण से मेरे ये बल्ब गल गए। ये देखिए, ये गल गए। तो आप ऐसा ना करें मेरी तरह। मैंने तो सभी केसर के बल्ब को उगा लिया हूँ, सिर्फ एक ही मेरे गल गए हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए पानी ओवरलोड ना दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब इसके फूल आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि केसर किस तरह से हार्वेस्ट करना है, तोड़ना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाते हैं। ये मेरा 40 दिन का मेहनत है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ब्यूटीफुल भारत, ग्रीन इंडिया। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.